सब्सक्राइब करें हमारे हेल्प क्रू चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल, आप सबका स्वागत है हेल्प क्रू चैनल पे। तो जैसे कि आज मैं आपको शुरू में ही दिखा दिया हूँ कि आज मैं रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पर मेरे पास दो तरीके की सामान है, एक छोटा और एक ये बड़ा पैक। तो आप लोग में से सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये वीडियो आपको फुल वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो टॉपिक है वही काफ़ी अलग है। क्योंकि आज मैं ये तो रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, और सिंपली इसमें क्या है, तो आज मैंने इसे परचेस किया है एक सोलर पैनल जो कि 40 वॉट का है, 12 वोल्ट से ये इनपुट ये देता है हमें। तो अभी मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, और ये मैं क्यों मंगाया हूँ ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि देखिए हमारा जो वीडियोस है वो हमेशा रात में ही बनता है, दिन में इतनी, देखिए आपको पता ही होगा कि अभी बिजली इतनी कट रही है कि वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है। आप लोग भी अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर इसका मैं लिंक दे दे रहा हूँ, लेकिन आप अभी खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा। सबसे पहले देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसकी जो प्राइस है वो भी कुछ है अलग है एक प्राइस, क्योंकि देखिए कोई भी हमारा सामान होता है वो महंगा जरूर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा सोलर पैनल है वो जो अभी तो लुक अभी तक काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग कोई भी इसमें डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये जो सोलर पैनल है ये काफ़ी महंगा भी आता है, और ये इससे आप अगर सोचते हो तो सबसे पहले इसकी जो क्वालिटी है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो सोलर यूनाइटेड की एक सोलर पैनल है, मैं लूम सोलर का भी यूज कर सकता था, लेकिन उसकी क्वांटिटी देखिए वो काफ़ी अच्छा होता है, मेरे लिए बेस्ट होता है, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी सामान खरीदे हैं आधा से ज़्यादा मेरा यही कंपनी का होता है, इसलिए मैंने लूम का परचेस नहीं किया है। वैसे चाहो तो आप इसे ले लेते हो, लेकिन पहले आप लोग वीडियो को देख लीजिए और इसे टेस्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इसका पैक रहता है, मतलब यहाँ पर देखिए ये थर्माकोल से इसलिए पैक किया गया है जिससे इसमें बिल्कुल भी स्क्रैच ना आ सके, और यहाँ पर दो इस तरीके की प्लग भी हमें दिया गया है, क्लिप दिया हुआ है, जिससे हम इसे बैटरी के साथ में अटैच कर सकते हैं, मतलब इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका वायर प्लग रहता है, जो कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक सोलर पैनल से काम नहीं कर रहे हो, आपको 5 से 6 सोलर अगर एक साथ लगाना चाहते हो, तो लेफ्ट साइड पर आपको दूसरा सोलर का जो टर्मिनल होगा उसे आपको इसके ऊपर लगा देना है, और जो एक वायर तो हमारा पहले से दिया गया है उसमें हमें जो हमारा कंट्रोलर होता है, क्योंकि देखिए बिना कंट्रोलर का ये नहीं चल सकता है, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ सोलर पैनल में जो सॉरी फ्रेंड्स, सोलर पैनल में जो वोल्टेज आएगा वो मैक्सिमम तो वैसे 12 वोल्ट इसमें प्रिंटेड होता है, जो कि देखिए 12 वोल्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, उससे ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं भी आपको दिखाता हूँ, देखिए 40 वाट का सोलर पैनल है, और आउटपुट की बात करें देखिए 22 वोल्ट बता रहा है, 10 एम्पियर तक का इसमें बैटरी आप इसमें लगा सकते हो। आप सोचिए ये 20 वोल्ट अगर हमें जब भी इसे आउटपुट निकाल के देगा तो ये तो पूरी तरह से आपकी बैटरी को डैमेज कर देगा। तो क्या करना है वो भी आपको अभी मैं बताऊंगा। तो ये सोलर पैनल को किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से कनेक्शन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो दो प्लग आप वायर जो देख रहे हो, इन दोनों वायर को हमें कंट्रोलर के साथ में लगाना होता है, लेकिन अब हम कंट्रोलर को भी रिव्यू करके देख लेते हैं कि हमारा कंट्रोल किस तरीके से है और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये कंट्रोलर कहाँ से हम परचेस करेंगे। तो सभी को मैंने आपको बोला कि मैं फ्लिपकार्ट से ही परचेस करता हूँ, तो अब मैं आपको इसे भी रिव्यू करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बिना कंट्रोलर का अगर आप इसे चलाओगे तो ये बिल्कुल भी आपके लिए बेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि बिना कंट्रोलर के आप बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हो, और जो हमारा सोलर पैनल है उससे भी डायरेक्ट एसी करंट ही बाहर आता है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन बैटरी में एसी वायर आपको बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए। 12 वोल्ट तो आ रहा है, लेकिन उसमें एसी करंट आएगा जो कि बैटरी के लिए अच्छा नहीं होता है। अब ये देखिए बड़ा पैकेट में छोटा धमाका, ये देखिए सॉरी फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हमारा सोलर चार्जर एडेप्टर है, जिसकी हेल्प से देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, यहाँ पर हमें सोलर को कनेक्ट करना है, नीचे में बैटरी को कनेक्ट करना है, और बगल में आप 12 वोल्ट तक की आउटपुट भी ले सकते हो। तो कंट्रोलर अलग अलग तरह की होती है, मुझे यही वाला कंट्रोलर अच्छा लगा तो मैं इसे ही ले लिया हूँ। और जो सोलर पैनल है वो हमें 5 साल की वारंटी के साथ मिला है, और जो कंट्रोलर है ये भी हमें 5 साल की गारंटी पे मिला है। अभी गारंटी मिलता नहीं, लेकिन गारंटी में ये मिला है नए साल की के खुशी में, ये अभी चलाया जा रहा है ऑफर। तो अगर आप अभी परचेस करते हो तो आपको गारंटी पर ये मिल जाएगा, वारंटी कार्ड वही है, गारंटी कार्ड भी वही है, सोलर के एक साथ ही आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हमारा मॉड्यूल देखने को मिलता है, फीमेल पोर्ट मिलता है जहाँ पर हम मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, और नीचे में इस तरीके की प्लग भी है, स्विच भी है, लेकिन इसे किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से हमें कनेक्ट करना है वो अभी तक नहीं पता होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
12 वोल्ट से 24 वोल्ट, 10 एम्पियर, 50 वोल्ट, मतलब सोलर पे देखिए 20 वोल्ट अभी बता रहा था। धूप जैसा रहेगा वैसा ही इसमें कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन बिना इस एडेप्टर के आप कोई भी सामान को क्लियरली आप नहीं चला सकते हो। तो देखिए अभी तो वैसे ये जो वीडियो शूट हो रही है ये पूरी तरह शाम में हो रही है क्योंकि अभी धूप नहीं है, तो इसलिए मैं आपको टेस्ट करके तो नहीं दिखा रहा हूं। जैसे कि मैं वीडियोस को यहाँ पर शूट तो कर रहा था लेकिन इसमें मतलब पूरी तरह से इवनिंग टाइम में मैं आ गया था जिससे मैं आपको इसे टेस्ट करके नहीं दिखा पाया हूँ। लेकिन आपको मैं आप देखिए इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको सोलर पैनल को अच्छी तरह से चेक करके दिखाऊंगा और इसे क्या क्या चलने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको बता दूंगा। बस आप लोग क्या करना है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको वो वीडियो शो करेगी। वरना सोचिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो तो आप वो वीडियो आप मिस कर दोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग उस वीडियो के लिए वेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर दोनों का मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप इसे बाय कर लेना। तो मिलेगा इस वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।